आगे आज मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देना जुबाना से बाहर आएगी, आंखें बाहर आएंगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा और आप चर्चा करते घर चले जाओगे। पप्पी जी क्या हुआ है? पप्पी तो आज मैं आपकी लूंगा, आपके महान बेटे के महान कारनामे जो स्कूल में। वेल्डन बेटा वेल्डन। मिठू जी इसको वेल्डन की नहीं डंडना की जरूरत है। क्यों? मैं बताता हूँ आपके महान ठरकी के महान कारनामे। मिठू जी कल मैंने इससे एक सवाल पूछा कि वो कौन सा बाज है जो उड़ नहीं सकता, तो हमारे होनहार कामा सूत्र के योग स्टार ठरकिस्तान के रॉक स्टार का आंसर था लोने बाज। मिठू जी अभी इतना ही नहीं, कल इंग्लिश की टीचर क्लास ले रही थी तो इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उस बेचारे ने कहा था शोर मत करो वरना खड़ा कर दूंगी, तो इसके साथ आवाज के बेचारी दोस्त पता क्या कहती है, पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा। मिठू जी इसकी उम्र में कायदे आजम ने LLB कर लिया था और ये क्या कर रही है खड़ा, और आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़कर आप किस पे चढ़ेगा। मिठू जी देखो इसी तरह हर सवाल का जवाब उल्टा देना होता है इसने। मैंने इसे पूछा कि इलाम इकबाल मरने से पहले क्या थे, तो आगे से जवाब देता है जिंदा। मिठू जी मेरा बाप स्कूल में एक PN था, मैं एक PN का बेटा हूँ। जी जी पप्पी सर जिन्होंने मेहनत की हो ना वो PN लग जाते हैं बेटा। देखा PN थे PN नहीं मिठू जी, वो एक चपरासी की नौकरी करते थे स्कूल में PN। आज मैं जिस पोजीशन पर पहुंचा हूँ उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। अरे बाप पापड़ बेलते थे पहले। मिठू जी मैंने लाइफ में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। जी जी पप्पी सर इसका ये मतलब है? जी जी बिल्कुल जी। लाइफ से याद आया है कि इन कमीनों ने तो मेरी पर्सनल लाइफ को भी नहीं छोड़ा। क्यों? मैं बताता हूँ मिठू जी, एक दिन बेगम ने मिर्चे तेज कर दी जिसकी वजह से खाना काफी ज्यादा स्पाइसी हो गया। आपको पता ही है स्पाइसी खाने से बैक में खुजली होने लग जाती है। पप्पी जी कहाँ पे? गांड में। ओह सही। तो खुजली की वजह से मैं क्लास में काफी डिस्टर्ब होने लग गया, तो मैं वॉशरूम चला गया खुजाने के लिए, तो इन कमीनों ने पीछे से आकर चोरी मेरी पिक्चर बना ली। पिक्चर के ऊपर लिख दिया कि जब टट्टी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। इतना ही नहीं इन्होंने वो पिक्चर नोटिस बोर्ड पे लगा दी थी। छोटे छोटे बच्चे मुझे स्वीता भाभी की नजर से देख रहे थे और साथ उंगली का इशारा भी कर रहे थे। इससे बेहतर है मुझे फांसी दो और मेरा किस्सा ही खत्म करो। पप्पी जी मैं इनकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, इनको माफ कर, मासूम बच्चे हैं बेचारे। क्या कहा मासूम? जिस दिन मिठू जी आपकी गोद में मासूम सा बच्चा देगा ना उस दिन आपको इसका पता चलेगा। सॉरी सारा अंदाजा कुछ नहीं होगा। मिठू जी रहने दे, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके इसको इस दफा माफ कर रहा हूँ। अगर इसने अगली दफा ऐसा कुछ किया तो मैं सीधा इसके हाथ में पकड़ा दूंगा। क्या क्या यार एक्सपेल लेटर। ओके ओके पापा।